वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि जोम्बी रेड्डी का। तो ये जो फिल्म है इसी साल 2021 में थिएटर्स में रिलीज करवाई गई थी, जहां पर ये जो फिल्म है एक पहली तेलुगु जोम्बी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे तेजा साझा, आनंदी और दक्षा नागरकर। बात करें इस फिल्म की तो फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत वर्मा ने, जहां पर ये जो फिल्म है एक पहली तेलुगु जोम्बी फिल्म है। दरअसल इसी फिल्म के साथ 5 फरवरी को ही एक और फिल्म निकली थी जिसका नाम था जी जोम्बी करके, उसका कुछ प्रमोशन वगैरह ज्यादा हुआ नहीं था। तो दोनों ही जोम्बी फिल्में एक ही डेट पर लगभग रिलीज करवाई गई थी। तो इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भले ही ये एक जोम्बी फिल्म है, पर इस फिल्म का जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो बाकी जोम्बी फिल्म से बहुत ही अलग है। ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जोम्बी फिल्मों में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि हॉरर फिर थ्रिल ज्यादा होता है, कैरेक्टर्स में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो वो सभी चीजें अक्सर हमें जोम्बी फिल्मों में देखने को मिलती है, पर यहां पर ये जो फिल्म है इसे अगर आप देखोगे तो इस फिल्म में हुआ क्या है कि फिल्म में एक टिपिकल तेलुगु मसाला फिल्म के अंदर, मसाला रिवेंज ड्रामा या फिर कमर्शियल ड्रामा फिल्म के अंदर जोम्बी का जो कंसेप्ट है उसे ऐड करने की कोशिश की गई है। तो आइए जानते हैं कि ये जो कोशिश है कितनी कामयाब हुई है या फिर ये जो फिल्म हमें कैसी लगी है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो तकरीबन 2 घंटे लंबी ये फिल्म है, और इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था उसे मैं अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो ये जो फिल्म है एक डीसेंट वन टाइम वॉच टाइम पास एंटरटेनर फिल्म है जो आपको एंटरटेन जरूर करेगी। जहां पर इस फिल्म में थोड़ी सी कॉमेडी है, थोड़ा सा थ्रिल है, थोड़ा सा एक्शन है, या फिर कहें जो एंटरटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस पूरी फिल्म के अंदर थोड़े थोड़े जगह पर देखने को मिलती है, जिसके कारण जब ये फिल्म खत्म होगी तो ये जो फिल्म है एक डीसेंट एंटरटेनर के तौर पर खत्म होती है। जहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है इसे एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाया जा सकता था, जहां पर इस फिल्म का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो निकल के आता है वो है फिल्म का फर्स्ट हाफ। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है एक एंटरटेनिंग फिल्म के तौर पे एक नजरिए से अगर आप देखोगे, एक एंटरटेनिंग मसाला फिल्म के तौर पे अगर आप इसे बना रहे हो, उस नजरिए से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो नरेशन है। साथ ही साथ फिल्म के पहले ही 10-15 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 1 घंटे में क्या होने वाला है। फर्स्ट हाफ में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये था कि फिल्म का जो टाइटल ट्रैक हमें सुनने को मिलता है गो कोरोना वाला, वो मुझे काफी अच्छा लगा। उस गाने को अगर आप सुनोगे और जो फुटेज आपको देखने को मिलेगी, एनिमेशन वगैरह जो भी देखने को मिलती है वहां पर देखते हुए काफी मजा आता है। वहां पर लॉकडाउन के समय जो सब चीजें सोशल मीडिया पे चल रही थी उन्हीं सभी चीजों को लिरिक्स के द्वारा यहां पर पेश करने की कोशिश की है, तो वो जो गाना है मुझे काफी डीसेंट, काफी अच्छा लगा। उसके बाद फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा सा बोरिंग, इवन कॉमेडी पार्ट्स भी इतने ज्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं है, पर जैसे ही फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होता है और सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, वहां से डायरेक्टर राइटर यहां पर प्रशांत वर्मा ने जिस किस्म से फिल्म को संभाला है तारीफ करना तो बनता है। एक कमर्शियल फिल्म को जोम्बी रेड्डी के तौर पर जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है सेकेंड हाफ में, कमाल की राइटिंग है। कमर्शियल एलिमेंट्स को कहां पर डालना है, कहां पर नहीं डालना है, हर एक चीज को बहुत ही बैलेंस तरीके से यहां पर उन्होंने पेश किया है, जिसके वजह से मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वहां पर आपको अच्छी कॉमेडी, अच्छा थ्रिल देखने को मिलेगा। एक्शन की बात करूं तो एक्शन थोड़ा सा ओवर द टॉप है, पर कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की डिमांड है, ये एक मसाला एंटरटेनर फिल्म है तो वो उसी टाइप का एक्शन आपको देखने को मिलेगा, और ये जो मास ऑडियंस होती है उन्हें कहीं ना कहीं ये जो एक्शन है पसंद आता है। इवन मुझे भी इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रिप्ट के हिसाब से इस किस्म का एक्शन जो होता है देखने में काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा सेकंड हाफ का जो आखिरी 30 मिनट है या फिर कहें क्लाइमेक्स का जो आखिरी 30 मिनट हमें देखने को मिलता है वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और इस पूरी फिल्म का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना वो ये 30 मिनट है, जहां पर जो क्लाइमेक्स पोर्शन है उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको जिस तरह से पूरी तरह से पिक्चराइज किया गया है ना, देखने में काफी मजा आएगा। मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, इमोशंस है, कॉमेडी है, थ्रिल है, एक्शन है, और जो क्लाइमेक्स आता है ना उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है, शूट किया गया है, कमाल तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो मुझे वो देखने में काफी मजा आया। इसके अलावा बात करें फिल्म में डायरेक्शन की तो प्रशांत वर्मा ने अपनी पिछली फिल्म ओ में एक बहुत ही मैच्योर स्क्रिप्ट को जिस तरह से हैंडल किया था उतनी ही अच्छी तरीके से यहां पर उन्होंने एक कमर्शियल स्क्रिप्ट को हैंडल किया है, और एक मसाला एंटरटेनर फिल्म को उन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से यहां पे पेश करने की कोशिश की है। जहां पर कहना चाहूंगा ये जो फिल्म है टेक्निकली बहुत ही बढ़िया है, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, चाहे किसी भी शॉट्स को देख लो, स्पेशली क्लाइमेक्स सीन को, हर एक जगह पर आपको जो
कैमरा वर्क है कमाल का देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक जॉम्बी फिल्म के अंदर मेकअप जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो भी इस फिल्म का काफी बढ़िया है। इसके अलावा बात करें बीजीएम की, फिल्म का बीजीएम साउंड डिजाइनिंग कमाल की है। फिल्म का बीजीएम देखते ही बनता है, मतलब सुनते ही बनता है। मुझे फिल्म का बीजीएम काफी पसंद आया। इसके अलावा फिल्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फिल्म के काफी डायलॉग्स में प्रशांत वर्मा ने अपनी पिछली फिल्म ऑ के टाइटल को भी यहाँ पे डालने की कोशिश की हुई है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म में दो सीन्स में यहाँ पर मेगास्टार फैमिली को भी थैंक यू या फिर एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। आप लोगों में से जैसे नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, जो ये एक्टर है लीड एक्टर तेजस आजा, इन्हें मेगास्टार फैमिली से काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब ये चाइल्ड आर्टिस्ट एक छोटे बच्चे के रोल प्ले करते थे बचपन में, तब इन्होंने चिरंजीवी की काफी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, जिसके वजह से इन्हें मेगास्टार फैमिली से काफी अच्छा सपोर्ट मिला था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिब्यूट देने की कोशिश की हुई है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिल्म में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगी वो थी यहाँ पर आनंदी की। इनका काम, उनका रोल यहाँ पे फिल्म में बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा तेजस आजा का काम ठीक ठाक लगा मुझे, और ये जो दूसरी एक्ट्रेस थी यानी कि दक्षा नागरकर, इनका काम डिसेंट था, कुछ ज्यादा करने को नहीं था पर डिसेंट काम था, ठीक ठाक रोल उन्होंने निभाया है। फिल्म में आपको कुछ अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं सेकंड हाफ में। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक एवरेज फर्स्ट हाफ और एक एंटरटेनिंग सेकंड हाफ के साथ ये जो फिल्म है यानी कि जॉम्बी रेड्डी एक डिसेंट एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसे आप एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक बार जरूर देख सकते हो। फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए और ये फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।